एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कंटेनर ट्रक पलटकर ऑटो रिक्शा पर गिरा, चार लोगों की मौत। कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ कंबोज की याचिका खारिज। राज्य में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मध्य दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम के समीप शनिवार सुबह एक कंटेनर ट्रक पलटकर एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे ऑटो रिक्शा में सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ऑटो रिक्शा में से शव निकाले गए और हादसा इतना जोरदार था कि ऑटो रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दो मृतकों की पहचान शास्त्री पार्क निवासी सुरेंद्र कुमार यादव और उसके रिश्तेदार जय किशोर के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद ट्रक का चालक और उसका सहायक मौके से फरार हो गया। अगली खबर, एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को मुंबई भाजपा युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज भारतीय की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी। भाजपा के पूर्व पदाधिकारी ने मलिक के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। अगली खबर, राज्य में शनिवार को ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप से जुड़े मामलों की कुल संख्या 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इनमें से 28 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं या बाद के परीक्षणों में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। राज्य में आज कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 854 नए मामले सामने आए, जिनमें से 8 ओमिक्रॉन स्वरूप से जुड़े हुए हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप के 8 नए रोगियों में से 4 का मुंबई हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर परीक्षणों के बाद पता चला, जिसमें से एक मुंबई का, दूसरा उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव का और अन्य दो क्रमश छत्तीसगढ़ और केरल के है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इनमें से 2 ने अफ्रीका की यात्रा की थी तथा 1 ने तंजानिया और 1 व्यक्ति ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। ये चारों व्यक्ति कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक ले चुके हैं और उन्हें बीमारी के लक्षण नहीं है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित 3 अन्य व्यक्तियों में पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा से ताल्लुक रखने वाला एक दंपति और उनकी 13 वर्षीय बेटी शामिल है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।